माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी, डॉक्टर अमी याग्निक जी का पहला नाम है पर उनकी जगह माननीय दिग्विजय सिंह जी बोले पहले। धन्यवाद अमी जी, बाद में आप। माननीय उपसभापति महोदय, मैं लोक परीक्षा अनुसूचित साधन निवारण विधेयक 2024 का मूल रूप से समर्थन करता हूँ, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जो निष्पक्ष परीक्षाएं होनी चाहिए थी वो एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया है। पेपर लीक, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के अंतर्गत छेड़छाड़, और यहाँ तक कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है रिजल्ट आने के बाद कौन सा पेपर आसान था उसमें नंबर बढ़ा दिए जाते हैं और जो कठिन था उसमें नंबर कम कर दिए जाते हैं, उसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का ये माध्यम बन गया है जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। माननीय, शिक्षा जो है कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, लेकिन ये राज्यों में जो परीक्षाएं हुई हैं, जो रिक्रूटमेंट हुआ है, उसका सबसे बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश में व्यापम में हुआ, और साथ में आज तक एक अजीब सी बात हुई कि जो जिन्होंने पैसा देकर बच्चों की भर्ती कराई उनको तो जेल भेज दिया गया, लेकिन जिन लोगों ने अवैधानिक रूप से पैसा लेकर भर्ती की वे आज भी खुले घूम रहे हैं, वे आज भी जेल के बाहर हैं। मूल रूप से इसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हम इसके मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन खाने वालों को तो उन्होंने बड़े बड़े पद पे पहुंचा दिया। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सबसे पहली बात तो यह है कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, और कॉन्करेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत ये केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि वे राज्यों के भी एग्जामिनेशन जो होते हैं उनको इसमें लिया जाए, जो कि इसमें शेड्यूल में दिया गया है। सच अदर ऑथॉरिटी इज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि चूंकि ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है इसलिए राज्यों में भी यदि कोई इस प्रकार की मांग आती है तो उसमें इसको शामिल किया जाए। दूसरी बात माननीय यह है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के कारण इतने हमारे पास कंप्यूटर्स वगैरह नहीं है लाखों में, जिसकी वजह से एक दिन एक क्वेश्चन पेपर का एग्जामिनेशन नहीं होता है, इसलिए अलग अलग दिनों पर अलग अलग क्वेश्चन के आधार पर परीक्षा होती है, और उसमें ही नॉर्मलाइजेशन का ये प्रोसेस उन्होंने शामिल कर दिया है। इसलिए ऑनलाइन परीक्षा एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का कारण बन गई है, एक माध्यम बन गया है, और ऐसी कंपनीज इसमें शामिल हो गई हैं जो ब्लैकलिस्टेड होने के बाद भी दूसरे प्रांतों में जाकर वो अपना ठेका ले लेते हैं और खुलेआम व्यवसाय हो रहा है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि जितनी परीक्षाएं हों ऑनलाइन परीक्षाएं बंद करें, ऑफलाइन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पेपर हो, एग्जामिनेशन हो, और वहीं पर उसका जांच करके वहीं नतीजे उनको घोषित कर देना चाहिए। मैं और ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ, कुछ मेरे अमेंडमेंट्स हैं, हालांकि आज ही तो हमको ये बिल मिला और आज ही अमेंडमेंट के अंदर टेबल ऑफिस कह रहा है कि आपका स्वीकार नहीं करें, जबकि मैंने टाइम पर दे दिया था। इसमें क्लॉज 1-2 पेज नंबर 1-2 मेरा ये अमेंडमेंट है, इसका दायरा केंद्र राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के आयोग भर्ती स्थान को संस्थानों तक होगा, ये मेरा अमेंडमेंट नंबर 1 है। दूसरा मेरा अमेंडमेंट है
क्लॉज 10 में पेज 6 लाइन नंबर 4 में, इसमें वो कंपनी जो इसमें दोषी पाई जाती है उसको इन्होंने कह दिया है कि 4 वर्षों के लिए उसको अयोग्य कर दिया जाएगा। जो कंपनी जो आरोपी हो चुकी है उसको 4 वर्षों के लिए उसको परमानेंटली उसको आजीवन प्रतिबंध कर देना चाहिए उसका। तीसरा मेरा अमेंडमेंट है कि परीक्षा प्राधिकरण का उन्होंने नाम रखा है प्राधिकरण, लेकिन उसमें आयोग भी होते हैं, बोर्ड भी होते हैं। इसलिए माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि इसमें परीक्षा प्राधिकरण शब्द के बाद आयोग और चयन बोर्ड के शब्द को भी जोड़ा जाना चाहिए। मेरा आखिरी अमेंडमेंट यह है कि क्लॉज 11(3) पेज 6 लाइन नंबर 1 धारा 11(3) जोड़ी जाए अनदर सब क्लॉज, जिसमें उल्लेख हो कि परीक्षा में घोटाला सिद्ध होने पर परीक्षा को निरस्त तत्काल किया जाए और उसके साथ साथ दोषियों को दंडित भी करें, साथ में तत्काल उसकी परीक्षा की जाना चाहिए। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में 2018-19 की परीक्षा पब्लिक सर्विस कमीशन की हुई और वो विवादित हो गई क्योंकि परीक्षा पेपर आउट हो गया था। 5 साल तक उसमें आज तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। इसलिए मेरा अनुरोध यह है उसमें भी समय सीमा तय की जानी चाहिए। मैं अंत में माननीय सभापति महोदय आपसे यही अनुरोध करूंगा कि चूंकि ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, इसलिए जहां राज्यों की मांग अगर आती है तो उस या तो वो खुद इस प्रकार का कानून अपने राज्य में लाएं या इस कानून को लागू करने के लिए भी यहां का क्योंकि अथॉरिटी आपको दे सकते हैं, आपको ऑथोराइज किया जाए ताकि उसमें शामिल किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दिग्विजय सिंह जी।